उसी के तो एक महीने में चुनाव आने वाला, उसी को मद्देनजर रखते हुए राजनीति कराई गई है। बाबा रामदेव द्वारा फाइनेंशियली बाबा रामदेव ने मदद किया है, उन्हीं के द्वारा ये सब कराई गई। उन्होंने क्या कहा कि हमारे साथ मतलब उत्पीड़न हुआ उसका सबूत है। कल क्या कह रही थी कि उत्पीड़न कमरे में होता है, उसका सबूत नहीं है। कह रहा हूँ कि मुझे जो है धमकी मिल रही है, बजरंग पुनिया मुझे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, आप मानेंगे? नरसिंह यादव, दिव्या काकरान समेत कई सैकड़ों पहलवानों का बयान आया है कि वो लोग भी कैंप में 2008 से शामिल हैं, 2006 से शामिल हैं, 2013 से शामिल हैं, उनका भी दिखाइए, उनका भी तो वो लोग देखना चाहेंगे। हमारे क्षेत्र के मॉडल हैं, इन्हीं के द्वारा सब कुछ है। एक समय ऐसा था कि कुश्ती में सिर्फ हरियाणा का बोलबाला था, लेकिन तो उन्होंने सबको अवसर दिया, सबको समान अवसर दिया, सभी राज्य से खिलाड़ी आने लगे। राजपूतों को सिर्फ गिराने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और ओलंपियन खिलाड़ियों के बीच जिस तरीके की रस्सा कसी इस वक्त चल रही है, तमाम खिलाड़ियों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। उनका मानना है कि उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, यौन शोषण तक के आरोप महिला खिलाड़ी लगा रही हैं। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के क्षेत्र गोंडा के नवाबगंज के लोग क्या मानते हैं, क्योंकि माना जाता है उनको नेताजी हां लोग कहते हैं और कहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। लेकिन जो आरोप ओलंपिक के स्तर के खिलाड़ी उन पर लगा रहे वो काफी गंभीर है, और उस पर यहाँ के स्थानीय लोग क्या मानते हैं वो बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नवाबगंज क्षेत्र के हैं। यहाँ पर लगातार हर तरह की राजनीतिक और गैर राजनीतिक गतिविधियों को देखा है, और इन लोगों का क्या कह रहे हैं इनसे बात करेंगे। आपका नाम बताएं। ऋषु श्रीवास्तव, प्रधान बालापुर, हम गोंडा से हैं। ये बताइए कि जिस तरीके की बात हो रही है, ओलंपियंस आप देख रहे होंगे दो दिन से चल रहा है, बड़ा धरना चल रहा है, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इन आरोपों में कोई सच्चाई है या क्या? सच्चाई नहीं, माननीय सांसद जी 10-12 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत देश का। अब ये 2012 में उनको हराए थे हुड्डा जी को, अब उसी के एक महीने में चुनाव आने वाला है, उसी को मद्देनजर रखते हुए राजनीति कराई गई है। बाबा रामदेव द्वारा फाइनेंशियली बाबा रामदेव ने मदद किया है, उन्हीं के द्वारा ये सब कराई गई है। राजनीति क्यों करा रहे हैं, उनका तो कार्यकाल 6 महीने में खत्म ही होने वाला था। दोबारा आगे इनका संडे अठन के खिलाफ करा गया है इनको साजिद के तहत फंसाने के लिए। और एक बात और कहना चाहते हैं कि इसमें एक परिवार मुख्य रूप से आ गया रहा, फोगाट परिवार, पूरे विनेश फोगाट, गीता फोगाट, यही सब पूर्ण रूप से इनका ही फैमिली आगे आ रही है क्या? और पूरे भारत के पहलवानों की उनकी समस्या नहीं है, खाली हरियाणा के चंद पहलवानों की इनसे समस्या है? क्षेत्र के बारे में बताइए, क्या कुछ कराया है यहाँ पे आप? नेताजी नेताजी हमारे क्षेत्र के मॉडल हैं, इन्हीं के द्वारा सब कुछ है, सब कुछ सारा विकास इन्हीं द्वारा, हम लोग के लिए भगवान की तरह। आपका क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल, ये बताइए जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जो महिला खिलाड़ी कह रही हैं कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उन्होंने इसकी कंप्लेंट भी की फिर भी नहीं हुआ, आपको लगता है इस तरीके का कुछ मिजाज रहा? ये सब गलत है, ये सरासर गलत है, और हमने भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है। आप भी रिपोर्टर हैं, आप उनके दो बयान, पहले दिन उन्होंने क्या कहा कि हमारे साथ मतलब उत्पीड़न हुआ उसका सबूत है, कल क्या कह रही थी कि उत्पीड़न कमरे में होता है उसका सबूत नहीं होता है। ये सब सिर्फ एक बेबुनियाद, सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, पद से हटाने के लिए एक साजिश है, क्योंकि वो जो पिछड़े राज्य है उनका वो प्रतिनिधित्व करते थे। एक समय ऐसा था कि कुश्ती में सिर्फ हरियाणा का बोलबाला था, लेकिन तो उन्होंने सबको अवसर दिया, सबको समान अवसर दिया, सभी राज्य से खिलाड़ी आने लगे, और उसका उसी के साजिश के तहत एक हरियाणा मॉडल तैयार हुआ, और हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर वो भी कह रहे हैं उनके पास सबूत भी। आपका क्या नाम है? आनंद सिंह सिवा नाम है मेरा। बताइए, वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत भी है, वो ये कह रहे हैं कि इस्तीफे से काम नहीं होगा, हम तो चाहेंगे कि वो जेल जाए, उनके ऊपर कार्रवाई। अगर उनके पास सबूत है तो सामने रखें, और सबूत जो है सबूत छिपाने से काम थोड़ी ना होगा, जो है सबूत है तो सामने लेके आए, ये कहने से काम थोड़ी ना चल जाएगा। हम कह रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत बुरी घटना हुई है, गीता फोगाट ये लोग किए हैं, तो मान करेंगे? कोई मानेगा? मानने के लिए कोई तैयार होगा? मैं भी कह रहा हूँ कि मुझे जो है धमकी मिल रही है, बजरंग पुनिया मुझे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, आप मानेंगे? कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आप दादा नाम, आपका क्या नाम है? राजेश उपाध्याय। राजेश जी, बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ किया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा के लिए, क्या कुछ? नेताजी बहुत काम किए हैं, गली गली में रोड है, सड़क है, बिजली है, हर गरीब का गरीब के लिए हमेशा मदद करते हैं, बहुत काम किए हैं गोंडा में। गोंडा की पहचान है क्या उनको लोग? बिल्कुल बिल्कुल पहचान है, हर आदमी एक व्यक्ति छोटा सा बच्चा पहचानता है। ओलंपिक स्तर के इतने बड़े खिलाड़ी हैं, उत्तर भारत के महान नायक हैं। तो देखिए इसमें खिलाड़ी बात कह रहे हैं, अपने अपने करियर के दाव पर बात। ये देखिए पैसा ले करके
पैसा ले करके ये जितने लोग वहाँ बैठे हैं, चार छह लोग जो बैठे हैं, ये लोग पैसा ले लिए हैं बदनाम करने के लिए, सब तरीका बनाया गया है। क्यों करना चाहते हैं आपका नाम? आप बताइए का नाम? सुमित सिंह नवाबगंज। बताइए क्यों करना चाहते हैं बदनाम? ऐसा क्या मिल जाएगा? क्योंकि बार बार बात आ रही है उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, वो वैसे भी चले जाएंगे, तीन टर्म हो चुका है, चौथा मिलना नहीं है, तो क्या साजिश? फेम पाने के लिए, इतना बड़ा नाम है जैसे राजनीति में सांसद जी का, इतना बड़ा नाम है, नाम खराब करने के लिए। आप कह रहे हैं कि ओलंपियन जिन्होंने मतलब ये कह रहे हैं फोगाट ये ओलंपियन है, नरसिंह यादव, दिव्या काकरान समेत कई सैकड़ों पहलवानों का बयान आया है कि वो लोग भी कैंप में 2008 से शामिल हैं, 2006 से शामिल हैं, 2013 से शामिल हैं, उनका भी दिखाइए, उनका भी तो वो लोग देखना चाहेंगे। ये माननीय सांसद जी को नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा पॉलिटिकल बात है, लेकिन हमें एक आम आदमी के तौर पे बताइए आपका क्या नाम है? रोशन सिंह। रोशन, ये बताइए कि जिस तरीके की बात हो रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, आपको लगता है क्या खिलाड़ियों को लेकर के आपके नेताजी का क्या रवैया रहता है कि वहाँ पे आते हैं तो अकेडमी भी इतनी बड़ी चलती है? नेताजी की तरह व्यवस्था कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, इसकी तो हम लोग गारंटी लेते हैं। हम लोग यही रहते हैं। आप पूछ रहे थे कि नेताजी ने क्या किया है, हम पूछना चाहते हैं आपसे कि नेताजी ने क्या नहीं किया, ये आप बताइए। आप बताइए, हम आप स्थानीय, मैं स्थानीय नहीं हूँ, आप मुझे बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या चीज़? नहीं, हम भी पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, हम जनता हैं, कि नेताजी ने क्या नहीं किया गोंडा में, ये आप बता सकते हैं? सारा विकास नेताजी के द्वारा ही होता है। एग्रेशन नहीं, हमें सुनिए, राजपूतों को सिर्फ गिराने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया है। अपने मुद्दों पर, हम मुद्दों पर बात करेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। एक गोंडा के हैं, गोंडा के निवासी हैं, मनकापुर के रहने वाले। नेताजी ने जब से राजनीति शुरू किया है, जब से राजनीति, पहली बार जब राजा मनकापुर से उन्होंने चुनाव लड़ा है, तब से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग कौड़े पर बैठ के तापते थे वहाँ नवाबगंज वाले पुराने मकान पे, और साथ में बैठते थे नेताजी। नेताजी ये काम नहीं कर सकते, नेताजी ने जो कर दिया है कोई कर ही नहीं पाएगा। नेताजी को केवल बदनाम किया जा रहा है, बदनाम, और इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लगे हुए हैं। आपका क्या नाम? अजय सिंह। अजय जी, ये बताइए कि स्थानीय तौर पे, चूंकि आप लोग का मानना है कि हमेशा उन्होंने किया है, कभी कोई विपत्ति आई या किस तरीके का उनका मिजाज रहता है जनता के प्रति या एक प्रतिनिधि के? जनता के प्रति और प्रतिनिधि के प्रति में उनको निराधार तरीके से केवल बदनाम करने की साजिश है, चूंकि वो पूर्वांचल के टाइगर हैं और पूर्वांचल के टाइगर के नाम से सबको दबाव महसूस हो रहा है। ये षड्यंत्र के तहत उनको केवल बदनाम करने की साजिश की जा रही है, और चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे पहलवान हो, चाहे किसी भी पार्टी का राजनेता हो, अवध प्रांत से नहीं पूरे उत्तरी भारत से उसका सफाया हो जाएगा जो नेताजी को बदनाम करने की। नेताजी कह रहे हैं कि क्या काम किया है? काम अब दूसरे सवाल पे आ जाओ, करके सारे सवाल लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास में सबूत है, आपको लगता है वो सारे सबूत सामने रखेंगे? हाँ, जैसे सबूत है तो वो रखे, क्यों नहीं? नेताजी का भी कहना है कि वो भी चिट्ठा खोलेंगे, क्या क्या खिलाड़ी कह रहे हैं, आपको लगता है उनको सब जानकारी होगी? क्यों नहीं जानकारी होगी? राष्ट्रीय कुत्ती संख्या, जैसे जिस आदमी ने गलत किया है वो कहेगा कि सीबीआई जांच करा लीजिए, आपके देश में जो सर्वोच्च जांच है, जांच समिति है, उससे जांच करा लीजिए। कोई आदमी कहेगा इस तरह, जैसे ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, तभी तो वो कह रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई आदमी कैसे कह सकता है? अकेडमी के बारे में बताइए, अगर कोई मुझे बता सके, अकेडमी जहाँ पे जो चल रही है ये अब ऐसी ही थी या पिछले पांच छह सालों में परिवर्तन आया है खिलाड़ियों में या जो कुश्तियाँ? नहीं था यहाँ पर, जब से नेताजी बने हैं तब से ये हुआ है, नहीं परिवर्तन आया है परिवर्तन क्या क्यों नहीं हुआ है? और आगे बढ़े हैं खिलाड़ी, और दूर दूर के आए हैं, और यहाँ से कितने लोगों को मेडल मिला है, कितने लोग सम्मानित किए गए हैं, और नेताजी का ही देन है कि एक खिलाड़ियों को कुश्ती तो खत्म हो चुकी थी, कुश्ती कहाँ थी भारत में कुश्ती? हाँ, तमाम जितने लोग हैं, सारे लोग, उनका यही मानना है कि आप इस क्षेत्र में खास तौर पर अगर बात की जाए ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो वो लगातार सक्रिय रहे हैं, उन्होंने स्थानीय स्तर पे काम किया है, और जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उससे वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। उनका मानना है कि राजनीतिक साजिश, और यही कारण है कि क्षेत्र में नवाबगंज क्षेत्र, पूरा ये जो लोकसभा क्षेत्र जिसके प्रतिनिधि के तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार जो है वो इस तरीके से यहाँ पर हमेशा प्रतिनिधित्व किया है, कहीं ना कहीं उसकी झलक दिखाई देती है। कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।